Hi guys, I welcome you to my channel. My name is Asim. In today's video, I'm gonna give you a few sentences which we always use in Hindi. Like, tum hote kaun ho, mujhe rokne wale. Tum hote kaun ho, mujhe samjhane wale. Theek hai? Tu hoti kaun hai, use rokne wale, use daantne wale. Tu hoti kaun hai, use daantne wale. Theek hai? Tu hota kaun hai, mujhe order dene wala. तो होता कौन है उसे ऑर्डर देने वाला. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं, राइट. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आई है. तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखेंगे तो आप सीखेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे आप, ठीक है. तो विदाउट जो है स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए. और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that whenever I will upload new videos, you will get notified and you will not miss the videos. So without any further delay, let's get started. So I will first tell you the structure. मैं बता देता हूँ कैसे आप बोलेंगे इसको, इसका structures क्या है, ठीक है. तो इसका structures है, अगर ऐसा कोई भी sentence आता है, तू होता कौन है, तू होती कौन है, आप होते कौन है, आप होती कौन है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो है इसकी इंग्लिश होगी हु द हेल आर यू. क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू, ठीक है, हु द हेल आर यू, ठीक है. उसके बाद प्लस, प्लस के बाद हम क्या यूज करेंगे, टू, ठीक है. टू के बाद हम क्या यूज करेंगे, टू के बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यूज करना है, ठीक है. तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, तो उसकी मदद से आपको समझ आएगा कि आप कैसे यूज करोगे और कैसे आप बोलोगे इसको इंग्लिश में, ठीक है. तो पहला एग्जांपल्स है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले. तो इसकी इंग्लिश बनेगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो, ठीक है. और प्लस टू, ठीक है. और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रोकना, रोकने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, स्टॉप, ठीक है. तो स्टॉप और मुझे, मुझे की इंग्लिश होगी मी, तो हम क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी, ठीक है. क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी. ऑलराइट, बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन टू मी, हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन टू मी, ठीक है. तो उसका भी सेम है, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद समझाने की इंग्लिश एक्सप्लेन, फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन एंड मुझे, तो टू मी, ठीक है. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन टू मी, ठीक है, हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन टू मी. ऑलराइट, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. बढ़ते अपने अगले सेंटेंस की तरफ, अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है तुम होती कौन हो उसे डांटने वाली, तुम होती कौन हो उसे डांटने वाली, ठीक है, या आप होती कौन हो उसे डांटने वाली. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु द हेल आर यू, ठीक है, हु द हेल आर यू टू स्कोल्ड हिम. क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू टू स्कोल्ड हिम. ऑलराइट, आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा. बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ, जो है कि तुम होते कौन हो उसे ऑर्डर देने वाले, तुम होते कौन हो उसे ऑर्डर देने वाले, ठीक है. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु द हेल आर यू टू गिव हिम ऑर्डर. क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू टू गिव हिम ऑर्डर, ठीक है. क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू टू गिव हिम ऑर्डर. ऑलराइट, आई होप कि क्लियर हुआ होगा. तो ऐसे ही आपको यूज करना है इसको, ठीक है. जैसा आपको सेंटेंसेस रहेगा, तो हु द हेल आर यू के बाद से जो भी आप यूज करोगे सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टू लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट लगा के आप यूज करो, ठीक है. तो आप ऐसे बोल सकते हो. तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आपने इंजॉय किया होगा. अगर इफ यू हैव लर्न समथिंग और इफ यू इंजॉयड, सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप. It will motivates me to make more video and I will come up with a new videos like this.
So that's all, that's it. I'll see you in the next video. Till then, you take care of yourself. Bye bye.